लीची का जूस बीपी का क्योर करने वाला है, हार्ट की प्रॉब्लम्स को क्योर करने वाला है, पेट की सभी बीमारियां, फैटी लीवर से लेकर के, कॉन्स्टिपेशन से लेकर के, इंडाइजेशन से लेकर के, एसिडिटी से लेकर के, लीवर की जितने भी आंतों की और स्टमक के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, एसिडिटी, एसिपिटी गड़बड़ है, ब्लोबिन बढ़ा हुआ है और कई प्रकार के अपचन के रोग हैं, अरे लौकी का जूस पी। अब लौकी का जूस पीने से दिक्कत क्या है भाई? और इसमें कौन सा मजहब है, इसमें कौन सी, इसमें पोंगापंथी है, कौन सा ढोंगा आडंबर पाखंड अंदर विश्वास है इसके अंदर? लौकी का जूस पी लो, कड़वा नहीं होना चाहिए, पर उसको स्वादिष्ट बना के पीना है तो थोड़ा उसमें पुदीना डाल लो, थोड़ा तुलसी डाल लो उसके अंदर, यदि थोड़ी कफ की प्रकृति है, ठंडा ज़्यादा लगती है, जोड़ों में दर्द है, समाधि है, तो थोड़ा काली मिर्च डाल के, अदरक डाल करके पी लो। अरे अकेला नहीं पिया जाता तो उसके साथ दूसरा कोई फ्रूट मिक्स कर लो, थोड़ा अनार, थोड़ा मौसमी, थोड़ा संतरा, सेब, इस तरह से दूसरी चीज थोड़ा मिक्स करके पी लो, पियो। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, गारंटी बोल रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा शब्द कह रहा हूँ, और इसके ऊपर हमने साइंटिफिक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किए हुए, बीपी क्योर होता है, थायराइड क्योर होता है, डायबिटीज क्योर, अस्थमा अर्थराइटिस क्योर, कॉन्स्टिपेशन क्योर, आंखों की बीमारी क्योर, SLMS ऑटोमेटिक डिजीज से लेकर के कैंसर तक को हमने क्योर किया है, हार्ट के ब्लॉकेज तक को हमने क्योर किया है, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हेपेटाइटिस ABC से लेकर के, क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किडनी श्रिंक हो जाती है, किडनी कार्य करना कम कर देती है, बंद कर देती है, किडनी फेलियर हो जाता है, उन रोगियों को हमने अच्छा किया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ।